सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और कुछ टाइम पहले मैंने मार्वल के आने वाले 10 पावरफुल विलन्स का रैंकिंग बनाया था, जिसे आपने बहुत अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट भी किया था कि पावरफुल विलन्स तो आ रहे हैं पर मार्वल के पास पावरफुल हीरोज कहाँ बचे हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्वल कहीं पावरफुल हीरोज को भी इंट्रोड्यूस करने वाला है अपने आने वाली मूवीज और स्टोरीज के थ्रू, और आज का वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होगा। आज के वीडियो में हम मार्वल के आने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हीरोज को रैंक करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये हीरोज कौन है। कुछ हीरोज ऐसे हैं जो कि मार्वल अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज कर चुका है, कुछ हीरोज ऐसे हैं जिनके बारे में मार्वल ने सीक्रेटली मूवीज और सीरीज प्लान कर दी है जो कि रिसेंटली अनाउंस हो सकती है, और कुछ हीरोज ऐसे भी है जो कि ऑलरेडी फैंस के फेवरेट है पर उन्होंने एमसीयू को अब तक ज्वाइन नहीं किया था और अब वो एमसीयू को ज्वाइन करने वाला है। तो इन हीरोज की छोटी सी कॉमिक बुक हिस्ट्री, इनके फीट्स और ये कैसे मार्वल की स्टोरी को इम्पैक्ट कर सकता है, इन सारी चीज़ों को भी आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, पनिशर। तो पनिशर यानी कि फ्रैंक कैसल को किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। इसकी खुद की नेटफ्लिक्स की सीरीज बहुत पॉपुलर थी और अगर आपने सीरीज ना भी देखी हो आपने इस कैरेक्टर के बारे में ज़रूर सुना होगा। और इस सीरीज के बाद 5 साल का इंतज़ार हमें करना पड़ा पर फाइनली अभी अभी जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के सेट फोटोज रिलीज हुए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर हमें डेयरडेविल के साथ दिख रहा है। यानी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमें पनिशर देखेगा और इसी सीरीज के साथ पनिशर एमसीयू को ज्वाइन करेगा। पनिशर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है पर सिर्फ गन्स, वेपन्स और अपने वॉर एक्सपीरियंस का यूज करके ये क्राइम को फाइट करता है। और कॉमिक की एक अल्टरनेट सीरीज में जब इसकी फैमिली एक्समैन और अवेंजर्स के बीच की फाइट में आके मर जाती है तो ये सारे एक्समैन और अवेंजर्स को मार देता है। लिटरली उस सीरीज का नाम है पनिशर किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो है, कैरेक्टर सिर्फ एक ह्यूमन है पर ये पावरफुल है और इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। नंबर 9, गैम्बिट। तो गैम्बिट को आजकल लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखा है और इसके अपीयरेंस, इसकी पावर्स, इसकी फाइटिंग स्टाइल को लोगों ने बहुत पसंद किया है। पर उससे भी बड़े जो मार्वल के फैंस हैं वो गैम्बिट को जानते हैं एक्समैन 97 के थ्रू। एक्समैन 97 में हमने देखा कि गैम्बिट ने किस तरीके से जिनोशा को बचाया था, अपने आप को सेक्रीफाइस किया और वो एक हार्ट टचिंग मूवमेंट था। और इसी सीन में हम गैम्बिट की पावर्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर उससे भी ओजी जो मार्वल के फैंस हैं वो गैम्बिट को जानते हैं एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी के थ्रू। इस मूवी में हमें वुल्वरीन का ओरिजिन दिखा था, साथ ही साथ वेड विल्सन यानी कि डेडपूल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था और इंट्रोड्यूस हुआ था गैम्बिट। तभी से फॉक्स प्लान कर रहा था कि वो गैम्बिट के कैरेक्टर को लेकर एक सोलो मूवी बनाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने डेडपूल को लेकर बनाई थी। अगर वो चीज़ तब हो जाती तो शायद आज गैम्बिट भी डेडपूल की तरह उतना ही पॉपुलर होता, पर वो चीज़ तब एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और अब गैम्बिट के एक्टर ने, जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन में गैम्बिट को प्ले किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं ये मूवी बने, वो इस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं और वो इस मूवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी से अच्छे चांसेस बनते हैं कि शायद हमें गैम्बिट की स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिल सकती है। और हाँ, एक्समैन 97 जो लोग देख चुके हैं उनके लिए मैं एक स्पेकुलेशन बता दूं, तो लोग कह रहे हैं कि गैम्बिट मरा नहीं है बल्कि वो अपोकलिप्स के हॉर्समैन के फॉर्म में रेजरेक्ट होगा। तो हाँ, ये चीज़ भी फन होगी। और जो लोग गैम्बिट को नहीं जानते उनके लिए मैं गैम्बिट के पावर लेवल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गैम्बिट एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट था जो कि म्यूटेंट पावर लेवल में सबसे ऊपर होता है, और कुछ 10-20 ही ओमेगा लेवल एक्समैन म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। पर उसने अपनी पावर्स को कम करवाया था। अब कम क्यों करवाया था? तो उसे रोग को टच करना था जो कि उसका प्यार है, उसका लव इंटरेस्ट है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को हमने एनिमेटेड सीरीज में भी देखा है। तो इसी चीज़ को करने के लिए उसने अपने ऊपर कुछ ट्रीटमेंट्स करवाई थी जिसके बारे में वो जानता था कि उसकी पावर्स कम हो जाएगी, पर फिर भी उसने ये चीज़ की थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो हाँ, अपनी पावर्स को कम करवाने के बाद भी गैम्बिट के पावर लेवल्स अल्फा लेवल पे सबसे ऊपर है। यानी कि ही इज नॉट अ ओमेगा लेवल म्यूटेंट पर अल्फा लेवल में वो टॉप करता है। नंबर 8, ब्लैक नाइट। तो इटर्नल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि जब सर्सी को सेलेस्टियल्स ले गए
तब उसका लव इंटरेस्ट किट हैरिंगटन का कैरेक्टर एक पुराने बॉक्स में से एक पुरानी सी स्वॉर्ड को निकालता है, इस चीज को सोच के कि उसे सर्ची को बचाना होगा या फिर किसी और रीजन की वजह से। पर अगर आपको नहीं पता तो ये स्वॉर्ड है डार्क सोल स्वॉर्ड और ये कैरेक्टर है ब्लैक नाइट का कैरेक्टर, जो कि जनरेशंस के थ्रू इस स्वॉर्ड को इनहेरिट करता है, यानी कि उसके परदादा दादा इस स्वॉर्ड को यूज करते थे। और इस स्वॉर्ड की खासियत ये है कि थॉर के हैमर के अपोजिट अब जितने अनवर्दी होंगे एज अ पर्सन, ये स्वॉर्ड उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। यही नहीं, ये स्वॉर्ड आपके दिमाग को करप्ट भी करेगी। तो ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, इसका वेपन इंटरेस्टिंग है और जल्दी ही ब्लैक नाइट हमें एमसीयू में दिखेगा। इसी पोस्ट क्रेडिट सीन में बैकग्राउंड में हमने जो वॉइस सुना था वो ब्लेड का वॉइस था। ब्लेड की मूवी अनाउंस हो चुकी है एंड हाई चांसेस कि ब्लैक नाइट का कैरेक्टर ब्लेड की मूवी के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब जॉन स्नो को एक स्वॉर्ड के साथ देखूंगा वो एमसीयू में होगा। नंबर 7, हर्क्यूलिस। तो हर्क्यूलिस का कैरेक्टर हमें थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख चुका है। ज्यूस हर्क्यूलिस को बोलता है कि क्योंकि थॉर ने उसे ह्यूमिलिएट किया था तो ज्यूस चाहता है कि हर्क्यूलिस जाके थॉर से उसका बदला ले। अब इसी के साथ साथ हमें हर्क्यूलिस और थॉर की राइवलरी एमसीयू में दिखने वाली है। अब तक हमने हर्क्यूलिस को एक्शन में नहीं देखा, पर काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि थॉर की 5th मूवी का नाम ही होने वाला है थॉर एंड द लेजेंड ऑफ हर्क्यूलिस, यानी कि दोनों कैरेक्टर हमें साथ में दिखेंगे, इनकी राइवलरी दिखेगी और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। हर्क्यूलिस का कैरेक्टर मार्वल की कॉमिक्स में एक प्रॉपर सुपर हीरो है जो कि अवेंजर्स को भी लंबे टाइम तक ज्वाइन कर चुका है। उसके दूसरे मार्वल कैरेक्टर्स के साथ भी काफी इंटरेक्शंस हो चुके हैं, जैसे कि इटर्नल्स के साथ उसकी पुरानी हिस्ट्री है, और साथ ही साथ जब कॉमिक्स में सिविल वॉर हुई थी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में, तब हर्क्यूलिस ने कैप्टन की टीम को भी ज्वाइन किया था। तो इस कैरेक्टर की एक लंबी कॉमिक बुक हिस्ट्री है और अब यह कैरेक्टर एमसीयू में आ रहा है। नंबर 6, नोवा। तो केविन फाइगी से बहुत टाइम से लोग इस चीज को पूछ रहे थे, जिसे केविन फाइगी ने अभी क्लियर किया है कि हमें रिचर्ड राइडर का नोवा एमसीयू में देखने को मिलेगा और इस चीज को जल्दी अनाउंस किया जाएगा। अब रिचर्ड राइडर के नोवा का छोटा सा ओरिजिन मैं आपको बता देता हूं। तो हमने नोवा के प्लैनेट जेंडर को ऑलरेडी गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी में देख लिया है। हमने देखा कि किस तरीके से इस प्लैनेट को रूल करती है एक सुप्रीम इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि पूरे जेंडर को गवर्न करता है। पर जब कॉमिक में जेंडर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक एक नोवा मर जाता है, तब रिचर्ड राइडर आखिरी बचा हुआ नोवा होता है और ये AI, ये सुप्रीम इंटेलिजेंस अपने आप को उसके हेलमेट में अपलोड कर देती है, अपने आप का बैकअप ले लेती है। यानी कि रिचर्ड राइडर के हेलमेट में पूरे जेंडर के सारे नोवास की पावर और नॉलेज आ जाती है और इसी तरह कॉमिक में जन्म होता है नोवा का, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और यही कैरेक्टर अब हमें एमसीयू में दिखेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कैरेक्टर का एमसीयू में ओरिजिन क्या होगा, तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इस चीज को हमें इन्फिनिटी स्टोन के थ्रू बता दिया गया था कि जब थैनोस ने पावर स्टोन लिया था तब उसने पूरे जेंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब जेंडर डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हुआ हमें अब तक नहीं पता। ये बात बहुत ही क्लियर है कि इसी तरीके से नोवा के ओरिजिन को भी एमसीयू में फॉलो किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 कैरेक्टर्स की तरफ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट को देखते वक्त अगर आपको लगे कि आप इस कैरेक्टर को एमसीयू में देखना चाहते हैं, आप इस कैरेक्टर के लिए वेट नहीं कर सकते, तो उस कैरेक्टर को कमेंट करके मुझे बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई वुड लव टू रिप्लाई टू यू, और आपके कमेंट्स इस वीडियो के एंगेजमेंट को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th कैरेक्टर की तरफ। नंबर 5, घोस्ट राइडर। तो फैंस सालों से जॉनी ब्लेज के घोस्ट राइडर का वेट कर रहे हैं। इस कैरेक्टर की सोनी की मूवीज बहुत ही पॉपुलर हुई थी और हालांकि हमें एजेंट्स ऑफ द शील्ड में रॉबी रेस का घोस्ट राइडर दिखा, पर इस कैरेक्टर में कहीं भी जॉनी ब्लेज वाली वाइब नहीं थी। पर फाइनली ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मार्वल जॉनी ब्लेज का कैरेक्टर एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर सकता है और साथ ही में अनाउंस कर सकता है घोस्ट राइडर की एक स्टैंड अलोन सीरीज। ये एक बहुत ही परफेक्ट टाइम होगा घोस्ट राइडर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि मार्वल ऑलरेडी मिस्टिक कैरेक्टर्स को सेटअप कर रहा है, जैसे कि ब्लेड या फिर ब्लैक नाइट और मून नाइट जैसे कैरेक्टर की सीरीज ऑलरेडी पॉपुलर है। ऐसे में घोस्ट राइडर के कैरेक्टर का आना और इन कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करना मार्वल की स्टोरीज में चार चांद लगा देगा। और अगर आपको ये जानना है कि आखिरकार कॉमिक में ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है, तो कॉमिक में घोस्ट राइडर एक स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज तक को मार चुका है, और जब घोस्ट राइडर के अंडर की स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी कि ज़ेराथोस रैम्पेज पे निकला था, तब थॉर भी उसे नहीं रोक पाया था और स्कारलेट विच और रोग ने साथ में मिलकर उसे हराया था।
तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करती है कि ये कैरेक्टर मिस्टीक के वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 4, सिल्वर सर्फर। तो जब फैंटास्टिक फोर की मूवी के थ्रू हमें गैलेक्टस का कैरेक्टर एमसीयू में दिख रहा है, तो इसके साथ हमें सिल्वर सर्फर भी जरूर दिखेगा। सिल्वर सर्फर का ओरिजिन ऐसा है कि जब गैलेक्टस उसके प्लैनेट को खाने के लिए जाता है, तब सिल्वर सर्फर का जो ह्यूमन वर्जन है वो उससे रिक्वेस्ट करता है। तो गैलेक्टस उससे कहता है कि अगर वो उसका सर्वेंट बन जाए और उसकी पावर कॉस्मिक लेके उसका हेरल्ड बन जाए, तो वो उसके प्लैनेट को छोड़ देगा। और यही चीज सिल्वर सर्फर करता भी है। पर सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के सारे हेरल्ड्स में सबसे पावरफुल है, और वो अच्छा भी है। सिल्वर सर्फर स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटीज रखता है, और कॉमिक में कहीं टाइम हल्क और थॉर को भी 1v1 फाइट में टक्कर दे चुका है। तो ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में दिखेगा, और ये कैरेक्टर इजीली मार्वल के टॉप 5 कॉस्मिक कैरेक्टर्स में से एक होगा। नंबर 3, वीकन एंड स्पीड। तो हमने वीकन एंड स्पीड के चाइल्डहुड वर्जन को वांडाविजन की सीरीज में देखा है, पर अब तक इनको अपने सुपर हीरो फॉर्म में हमने एमसीयू में नहीं देखा। और रूमर्स ऐसे है कि ये कैरेक्टर जल्दी ही एमसीयू को ज्वाइन करने वाला है, और ये बिल्कुल ऑब्वियस भी है क्योंकि मार्वल बाकी सारे यंग एवेंजर्स को सेटअप कर चुका है एक्सेप्ट वीकन एंड स्पीड। और हाँ, अगाथा की सीरीज के थ्रू ही हमें वीकन का इंट्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जोई लॉक का जो कैरेक्टर है वही इस सीरीज में वीकन होगा। अब मैं आपको वीकन की पावर का भी आइडिया दे देता हूँ। वीकन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कैरेक्टर बड़ा होकर मैजिक की डेस्टिनी को चेंज कर देगा, और मल्टीवर्स लेवल पे मैजिक की रूल बुक को रीराइट करेगा, यानी कि मैजिक को रीडिफाइन करेगा। वीकन की पावर अपने फुल पोटेंशियल में ना होने के बावजूद वांडा के इक्वल हो चुकी है कॉमिक्स में, और वीकन को ट्रेन खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया है। तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास पोटेंशियल वांडा से ज़्यादा है और जिसकी ट्रेनिंग खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ने की है, आप समझ ही सकते हो कि उसके पास कितना पावरफुल बनने का पोटेंशियल है। ये कैरेक्टर बस लिस्ट में पीछे इसीलिए है क्योंकि ये कैरेक्टर अभी एक टीन है और अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं, वरना वीकन एंड स्पीड बहुत पावरफुल है। और हाँ, स्पीड भी अपने अंकल क्विक सिल्वर की तरह ही स्पीड को इनहेरिट करता है, स्पीड की पावर को इनहेरिट करता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स एमसीयू के पावर डायनेमिक्स को चेंज करने वाले हैं। नंबर 2, मिस्टर फैंटास्टिक एंड फैंटास्टिक फोर। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब एक साल के अंदर अंदर हमें फैंटास्टिक फोर मूवी एमसीयू में टेक प्लेस करती हुई दिख जाएगी। इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होने वाला है, और पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करने वाला है। मिस्टर फैंटास्टिक कितना इंटेलिजेंट कैरेक्टर है मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस को कॉमिक में बहुत सारे पॉइंट्स पे टोनी स्टार्क से ऊपर रखा जा चुका है। और हमने एमसीयू की मूवीज़ में भी देखा है कि मिस्टर फैंटास्टिक का एक वेरियंट जो हमें दिखाया गया था, उसने अल्ट्रॉन बॉट्स को अपने काबू में कर लिया था, यानी कि अगेन जिस अल्ट्रॉन से फाइट करने के लिए अवेंजर्स स्ट्रगल कर रहे थे, उसे ढूंढने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए, मिस्टर फैंटास्टिक ने उसे अपने काबू में किया था। तो ये कैरेक्टर इंटेलिजेंट है, और फैंटास्टिक फोर के सारे ही कैरेक्टर्स अपने अपने पावर लेवल में बहुत ऊपर है, चाहे वो द थिंग हो या फिर ह्यूमन टॉर्च हो। और ये सारे कैरेक्टर्स हम एमसीयू में देखेंगे, और इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस में बनाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। नंबर 1, सेंट्री। अब सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैं टॉप 10 विलन्स की लिस्ट में भी कवर कर चुका हूं, तो आप पूछेंगे कि आखिरकार हीरोज की लिस्ट में फिर वो क्यों है। तो देखो, सेंट्री इनिशियली एमसीयू में एज अ थ्रेट इंट्रोड्यूस होगा थंडरबोल्ट्स की सीरीज में। थंडरबोल्ट्स की सीरीज के उसके ट्रेलर के लीक्स भी आ चुका है, जहां पे हम क्लियरली सेंट्री को देख सकते हैं जो कि अपने सेंट्री के लोगों को उठाता है, जिसके ऊपर बुलेट्स का भी असर नहीं हो रहा। तो ये कैरेक्टर इनिशियली एक थ्रेट होगा और शायद इवेंचुअली एक हीरो बनेगा, पर ये बात इतनी क्रिस्टल क्लियर भी नहीं है। एक्चुअली कॉमिक्स में सेंट्री एक काफ़ी ग्रे कैरेक्टर है। सेंट्री की मेमोरीज, उसकी फीलिंग्स बहुत ही वॉलेटाइल होती है। वो अपनी पावर्स के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में भूल जाता है, और इसी के साथ साथ सेंट्री की एक डार्क पर्सनैलिटी भी होती है जिसे द वॉइड कहा जाता है, जो कि सेंट्री के अंदर ही रहती है और बहुत ज़्यादा इविल है। तो हाँ, ये कैरेक्टर ग्रे है, इसे आप एक तरीके से होमलैंडर मान सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल तो है पर इमोशनली और मेंटली इतना स्टेबल नहीं। तो हाँ, सेंट्री के कैरेक्टर को आप ऐसा मान सकते हो कि वो पावरफुल है पर स्टेबल नहीं, कुछ कुछ हद तक द बॉयज़ के होमलैंडर या फिर ओमनी मैन की तरह। मैं इस कैरेक्टर के डिटेल ओरिजिन, इस कैरेक्टर की स्टोरी और इस कैरेक्टर के कॉमिक में पावर लेवल्स क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक कैरेक्टर थंडरबोल्ट्स में भी पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो उस वीडियो का वेट करना, वीडियो जल्दी ही चैनल पे पोस्ट होगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।